तो आज का टिप नंबर 1 है कि ये दलिया होता है वो अक्सर कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है। तो इसको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम अच्छे से धूप में सुखा लें और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको भून के जब हम रखेंगे तो ये दलिया हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद टिप नंबर 2 है कि इस तरह से आपके पास डिब्बे आते रहते हैं गुलाब जामुन के, रसगुल्ले के, या कोई भी चीज़ आती है, तो ये डिब्बा बहुत मजबूत है। ये इसकी जो ये जो ऊपर का जो कवर है ये बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, तो इसका हम एक बहुत ही अच्छा यूज़ बता रहे हैं। तो आपके कोई गाउन है या जो कॉटन की जो कोई भी चीज़ होती है, जैसे चद्दर है या रजाई की खोली है, ये सब फट जाती हैं, तो इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हम काट के इस तरह के डिब्बे में रख लें, तो जब भी कोई तेल, चिकनाई, घी या कोई सब्ज़ी फैल जाती है या चाय फैल जाती है तो इन छोटे छोटे टुकड़ों से हम उसे साफ़ करके और इसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े का यूज़ भी हो जाता है और जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी बड़े कपड़े से इसको साफ़ करते हैं तो उसमें इसके निशान रह जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कपड़ों का हम यूज़ करके और अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली टिप है कि ये जो टमाटर होते हैं वो ज़्यादा दिन तक रखे रहने की वजह से ये थोड़े इसमें झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती हैं, सूखने से लगते हैं, सूखने मतलब थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, तो जो अब दिखने में भी अच्छे नहीं होते हैं और मन भी नहीं होता कि इसे हम खाएं। तो उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बड़े से बर्तन में जिसमें ये टमाटर डूब जाएं, उसमें फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी आपको लेना है, या फिर अगर आपके पास फ्रिज का पानी नहीं है तो इसको पानी नॉर्मल पानी में डुबा के और आप इसको फ्रिज में रख दें 1-2 घंटे के लिए, तो इसका जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा और जो टमाटर हैं वो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है टमाटर को फिर से फ्रेश करने का। और इसकी चटनी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। टमाटर लिए हैं, इसमें लहसुन है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, और इसमें हमने डाला है, अभी सीजन आ रहा है, चल ही रहा है आंवले का, तो वो आंवला हमने इसमें डाला है। ये आंवला जो है वो हमने नमक और हल्दी के पानी में भिगा के रखा था, तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है और काफ़ी फ़ायदा भी करता है। तो इसके टुकड़े काट के हमने इसमें डाल दिया है। अभी मैंने आपको इसलिए दिखाया है इसको साबुत, क्योंकि काटने के बाद इसका कलर चेंज है तो वो पता नहीं चलेगा। तो इसको डाल के आप चटनी बनाइए तो आप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी बनेगी। जो नॉर्मल चटनी से ये वाली चटनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जो आलू के पराठे के साथ, समोसे के साथ, कचौड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आशा है आपको ये टिप भी जो है वो हमारी पसंद आई होगी। अभी तो सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं और जो पिछली साल के जो हमारे सॉक्स हैं वो अक्सर ख़राब ही हो जाते हैं, इसकी जो रबड़ है वो भी ढीली हो जाती है, तो इन पुराने सॉक्स का हमें बहुत ही अच्छा एक यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके जो आगे की जो पैर वाले अंगूठे वाले जो हिस्सा है उसको हमने कैंची से काट दिया है, और काटने के बाद इसको आप हाथों में इस तरह से सर्दी में पहन सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मोजे से बना है। तो सर्दियों में इस तरह से आप जो पुराने सॉक्स हैं, मोजे हैं, उनको इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो आशा है आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। और ये सॉक्स है वो हमारे झाड़ू को मजबूत करने के भी काम आती है, तो आप देखेंगे आगे कि इससे हमने अपनी झाड़ू को कैसे मजबूत कर दिया है। तो अक्सर क्या है, झाड़ू आगे से ही टूटती है, तो जो हमारे पुराने सॉक्स हैं उसको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा के और हमने दोनों साइड से इसके सिरे को बांध दिया है, इससे ये सरकेगी भी नहीं, और जो नीचे की जो झाड़ू है जहाँ से झाड़ू अक्सर टूटती है लगाने में, तो वहाँ से भी ये मजबूत हो जाएगी। तो आशा है आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।